अरिघात यानी कि शत्रु का नाश करने वाला। पाकिस्तान और चीन पर नजर रखने के लिए भारतीय नौसेना के पास दूसरी ताकत आ गई है और उस ताकत का नाम है अरिघात। भारतीय नौसेना ने आज यानी कि 29 अगस्त को अपनी दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन INS अरिघात को समंदर में उतारा है। ये पूरी तरह से स्वदेशी है जो अरिहंत की कैटेगरी में आती है। ये मौजूदा INS अरिहंत की मदद करेगा। क्या है अरिघात की विशेषता, आइए जानते हैं। इंडियन नेवी की पावर में और ज्यादा इजाफा हुआ है। ये पनडुब्बी परमाणु हथियार ले जाने में सक्षम है। ये कदम भारत की स्ट्रेटेजिक स्ट्रेंथ को और मजबूत करेगा। लगभग 112 मीटर लंबी इस पनडुब्बी में K-15 मिसाइलें लगी हैं, जो 750 किलोमीटर तक वार कर सकती हैं। 6000 टन वजन की INS अरिघात लंबे ट्रायल्स और टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड्स के बाद पूरी तरह से तैयार है। और विशाखापट्टनम में एक गोपनीय कार्यक्रम में रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह और टॉप नेशनल सिक्योरिटी और मिलिट्री ऑफिशियल्स की उपस्थिति में इस पनडुब्बी को नौसेना में शामिल किया गया है। न्यूक्लियर मिसाइलों से लैस है 112 मीटर लंबी INS अरिघात। 6000 टन वजन और नए टेक्नोलॉजिकल अपग्रेड से हुई तैयार। पनडुब्बी में लगी है 750 किलोमीटर मारक क्षमता वाली K-15 मिसाइलें। पनडुब्बी में लगे हैं 21 इंच के 6 टॉर्पीडो। पानी के भीतर 980 से 1400 फीट तक गहराई तक जा सकता है अरिघात। लंबे समय तक पानी में डूबी रह सकती है ये पनडुब्बी। पनडुब्बी के अंदर लगा है एक न्यूक्लियर रिएक्टर। जानकारी के मुताबिक देश की ये दूसरी न्यूक्लियर सबमरीन भारत की समुद्री सीमाओं की सुरक्षा करने के लिए पूरी तरह से तैयार है। ये भारत की दूसरी स्वदेशी परमाणु पनडुब्बी तो जरूर है, लेकिन अरिघात अपने ही क्लास की अरिहंत से कई मामलों में काफी ज्यादा एडवांस है। वहीं भारतीय सेना की तीसरी परमाणु पनडुब्बी INS अरिदमन का निर्माण भी जारी है। इसके निर्माण के बाद भारत के जंगी बेले में 16 डीजल यानी कि SSK कन्वेंशनल सबमरीन हो जाएंगी और 3 परमाणु पनडुब्बी यानी कि SSBN भी भारत के पास होगी। भारत लगातार देश की समुद्री ताकत को बढ़ाने पर जोर दे रहा है। अगर आज को मिला ले तो 2 परमाणु मिसाइल वाली सबमरीन कमीशन करने के बाद तीसरी न्यूक्लियर मशीन का निर्माण भी जारी हो गया है। भारत सरकार ने इसके लिए अलग से 90,000 करोड़ जारी किए हैं। डेस्क रिपोर्ट, आज की खबर।